आज हम बात करेंगे मॉडर्न एरा के एक ग्रेट इंडियन की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, एक एडवोकेट जनरल और मद्रास हाई कोर्ट के जज और ब्रिटिश साम्राज्य के वॉइस रॉय काउंसिल में मोस्ट इंडियन सदस्य थे। जलियांवाला हत्याकांड, रीजनल डायर द्वारा शांति से इकट्ठे हुए हजारों नागरिकों पर गोलाबारी, इस भयानक नरसंहार की ब्रिटिश नेताओं सहित दुनिया भर के कई नेताओं ने इस भयानक सामूहिक हत्या की निंदा की। उस समय वॉइस रॉय काउंसिल के इस इंडियन मेंबर ने रिजाइन किया, इस हत्याकांड के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया और मुख्य आरोपी के रूप में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर आरोप लगाने में बिल्कुल नहीं डरे। उसके बाद इंग्लैंड जाके ब्रिटिश कोर्ट में एक पावरफुल इंग्लिशमैन ओडायर के खिलाफ केस लड़ा। इनका नाम सर चतुर संकरण नायर था। इनका जन्म 1857 में केरल के एक गाँव मनकरा में हुआ। इनकी शुरुआती एजुकेशन मालाबार और कालीकट के स्कूल में हुआ। मद्रास लॉ कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। 1880 में मद्रास हाई कोर्ट में एज ए लॉयर अपने करियर की शुरुआत की। 1906 में संकरण नायर मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल बने। उसके बाद 7 साल तक मद्रास हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने रहे। 1915 में वह एकमात्र भारतीय थे जो लॉर्ड जेम्स होर्ट की वॉइसराय काउंसिल में शामिल थे। उन्होंने 30 विभागों की देखरेख की, सभी अंग्रेजों के नेतृत्व में थे। यह स्थिति एक कैबिनेट मंत्री के बराबर थी। जलियांवाला बाग की घटना और वॉइसराय लॉर्ड जेम्स होर्ट द्वारा इस नरसंहार का समर्थन और जांच करने का विरोध करने का विरुद्ध संकरण नायर ने इस्तीफा दे दिया। संकरण नायर के इस्तीफे के बाद प्रेस सेंसरशिप को हटाया गया। इसके अलावा पंजाब में मार्शल लॉ को हटा लिया गया। इस नरसंहार की जाँच के लिए भारतीय और ब्रिटिश दोनों प्रतिनिधियों के साथ लॉर्ड हंटर के तहत एक आयोग नियुक्त किया गया। संकरण नायर ने दलील दी थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के नतीजों के परिणाम स्वरूप नरसंहार हुआ और वह जनरल डायर के साथ निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। माइकल ओडायर ने तुरंत ब्रिटिश अदालत में संकरण नायर के खिलाफ केस किया। जस्टिस मैकरडाई की अध्यक्षता में 12 सदस्यता वाली किंग बेंच सुनवाई के लिए बैठी। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को शुरू हुई और पूरे 5 हफ्ते तक चली, जिससे यह कानूनी इतिहास में सबसे लंबे समय तक सिविल लॉ सुनवाई में एक बन गया। शुरू से स्पष्ट था कि फैसला ओडायर के पक्ष में सुनाई जाएगी। ऐसा ही हुआ। फैसला ओडायर के पक्ष में आया और संकरण नायर पर 7,500 पाउंड का जुर्माना लगा, जो आज के रुपए के लगभग 4.8 करोड़ के बराबर है। संकरण नायर के पक्ष में केवल एक जूरी मेंबर ब्रिटिश अर्थशास्त्री हेरोल्ड लास्की थे। द हिंदू न्यूज़पेपर ने इस ट्रायल को घृणित मजाक कहा। इस मामले ने एक बार फिर से दर्शाया कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी अदालत में और एक अंग्रेजी जूरी से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। फैसले के बाद ओडायर ने संकरण नायर से कहा, अगर वो अपने बयानों की माफी मांग ले तो जुर्माना नहीं देना होगा। पर संकरण नायर ने जुर्माना देना स्वीकार किया। इस केस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को पूरी दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेफ्टिनेंट ओडायर को आखिरकार 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए हत्या कर दी थी। सर शंकर नारायण ने भारतीय राजनीति में काफी प्रभाव डाला। उनके ऊपर लिखी गई किताब द केस दैट शॉक द एम्पायर, इसके राइटर हैं रघु एंड पुष्पा पलट। इस बुक के बिहाव पे हमारे मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसमें लीड रोल पे हैं अक्षय कुमार। इस मूवी के जरिए होपफुल इस फिल्म के जरिए सभी लोगों को सर शंकरण नारायण के बारे में सभी को पता चल पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।